वेलकम टू माय चैनल एम फॉर वेलनेस विद रिचा। आज का टॉपिक है स्ट्रेस इंड्यूस्ड वेट गेन। स्ट्रेस में हमारा वेट क्यों गेन होता है? हम कई बार देखते हैं कि वी आर फॉलोइंग अ गुड डाइट, वी आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन स्टिल हमारा जो वेट है वो बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो स्ट्रेस कैन बी अ रीज़न फॉर इट। अब मैंने इस टॉपिक के बारे में काफ़ी रिसर्च किया एंड देयर इज़ लॉट ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड, जिसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ हॉर्मोन्स दैट आर रिलीज्ड इन अ बॉडी। एक है कॉर्टिसोल, दूसरा है एड्रेनलिन। कॉर्टिसोल इज द प्राइमरी हॉर्मोन विच इज़ लीडिंग टू वेट गेन ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम्स। जब हम बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल है दैट इज़ कॉन्स्टेंटली हाई इन बॉडी, विच इज लीडिंग टू समवेयर डिस्टर्ब्ड बायोकेमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज हार्मोन्स। तो जब हम स्ट्रेसफुल हैं, कॉर्टिसोल लेवल हाई है, तो हमारा मन करेगा और खाने का, क्योंकि बॉडी को लगता है कि शायद समथिंग इज इन, वी आर इन डेंजर और समथिंग इज नॉट गुड, जिसकी वजह से हमें भूख लगेगी एंड वी वुड क्रेव फैटी एंड शुगरी थिंग्स। जब हम स्ट्रेसफुल होंगे, वी वोंट गो फॉर फ्रूट और सैलड्स और हेल्दी थिंग्स, वी वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, टी, कुकीज एंड ऑल दोज अनहेल्दी जंक एंड प्रोसेस फूड, क्योंकि यही सब चीज़ें हमको हमारी क्रेविंग को सेटिस्फाई कर पाएगी। अब पहला तो ये हो गया कि कॉर्टिसोल जब हाई है तो हमको भूख लग रही है, वी आर गोइंग फॉर कम्फर्ट अनहेल्दी फूड। सेकेंड रीज़न इज़ कि जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं तो हमें नींद प्रॉपर नहीं आती है, वी आर नॉट हैविंग साउंड गुड स्लीप, जिसकी वजह से एक और हार्मोन कम्स इनटू पिक्चर, दैट इज ग्रेलिन। ग्रेलिन इज अ काइंड ऑफ हार्मोन जिसको हंगर हार्मोन कहा जाता है, जो हमें हंगर भूख का एहसास बॉडी में देता है। तो जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमें बहुत भूख लगती है, दिस इज अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ग्रेलिन हार्मोन इज वर्किंग इन अ बॉडी। तो मतलब हम पे दोहरी मार हो गई, पहला कि कॉर्टिसोल हार्मोन इज वर्किंग, सेकेंड ग्रेलिन हार्मोन इज वर्किंग। क्वेश्चन ये है कि ऐसे वेट गेन को कैसे टैकल किया जाए। तो पहला तो रीज़न है कि आप स्ट्रेस ही मत लीजिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन दीज टाइम्स, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है, वी आर हैविंग सो मेनी थिंग्स इन आर लाइफ्स टू हैंडल। तो सेकंड थिंग्स है कि हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों, इस स्ट्रेस से बचने के लिए। जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं, इट्स वेरी गुड कि हम डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम्स करें, क्योंकि जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जाएगी तो हमारी जो स्ट्रेस है वो कम होगा, प्लस बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ते ही वी विल फील द एनर्जी इन आर सेल्स। सेकेंडली, वी कैन गो फॉर मेडिटेशन, जो कि आप यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हैं। थर्ड इज कि आप थोड़ा अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, यू कैन गो फॉर हॉबीज, यू कैन डू सम हॉबीज, यू कैन गो विद योर फ्रेंड्स, माइंड को थोड़ा सा आप डाइवर्ट कीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे आप स्ट्रेस जो है बॉडी में कम कर सकते हैं, और स्ट्रेस कम होगा तो आपका जो वेट गेन है वो भी नहीं होगा एंड यू विल हैव अ हेल्दी लाइफ। तो प्लीज़ स्ट्रेस को खुद से दूर रखिए, अगर स्ट्रेस है आपकी लाइफ में तो डू समथिंग अबाउट इट एंड ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी, और माय बेस्ट विशेस आर विद यू। सो थैंक यू।